मैं हूं अंकित अमन और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। पटना के गांधी मैदान रोड में खादी मॉल के सामने हम जब गुजर रहे थे तो एक सुरीली धुन हमारा ध्यान यूं ही खींच लिया। तो हम सहज ही देखते हैं कि शायद ये बांसुरी बजाते हैं, जो आजकल शायद बहुत कम देखने को मिलता है, और ये आज नहीं बहुत ही पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक जाना जाता है। तो हम इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रियाज। अच्छा, कब से आप बांसुरी बेच रहे हैं? हम तो करीब बहुत दिनों से बेच रहे हैं, अब याद नहीं है, मगर हम जो है कि 20-25 साल से बेच रहे हैं, और इससे पहले भी हमारे फादर उधर बेचते थे। अच्छा, मतलब आप मतलब एक तरह से समझ लें कि खानदानी यही बिजनेस चला रहा है। अच्छा, तो ये खुद से बनाते हैं या मतलब खरीदते हैं कहीं से? नहीं नहीं, खुद से बनाते हैं। अच्छा, खुद से। तो इसमें कौन सा ये कोई खास किस्म का ये बांस है जो यूज़ होता है इसको बनाने में? ये जो है कि असम में होता है ये सब बांस। अच्छा, और जो हम बनाते हैं तो इसमें जो है कि यानी कि ग्रुप लम्बर होता है। अच्छा, 24 प्रकार का बांसुरी हम बनाते हैं। अच्छा अच्छा, और इसमें जैसे सी है, सी शार्प है, ये सब लम्बर दिया हुआ है। अच्छा, सी शार्प इसका बेसिक है, सी में है, सी शार्प में है, डी है, मगर अधिकतर लोग को सिखलाने के लिए बतलाना पड़ता है। अच्छा, कि आदमी आसान तरीका से सिखाते भी हैं। हाँ, अच्छा, मेरा चैनल है। अच्छा, YouTube पे चैनल भी आपका? अच्छा, चलिए इनका YouTube पे चैनल भी, चैनल का नाम बता दीजिएगा। मेरा YouTube पे चैनल है, चैनल का नाम है MD रियाज फ्लूट। अच्छा, तो इनका YouTube चैनल है MD रियाज फ्लूट, और उस पर ये फ्लूट बजाना भी सिखाते हैं और बेचते भी हैं। इनका खानदानी यही बिजनेस है। तो चलिए इनसे हम सुनते हैं और इनके सुरीली उन बांसुरी को सुनते हैं हम ज़रा। ताली बजा दीजिए भैया, बहुत अच्छा बजाएं। गजब बजाएं आप, बहुत अच्छा बजाएं। कैसा लगा भैया, बताइएगा कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा लगा इनका? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुरीला। आपको कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, सचमुच बहुत अच्छा बजाएं। अच्छा, इसमें जो आप है ये अलग अलग बांसुरी है, तो ये कोई बड़ा बांसुरी आप बजा के दिखाएंगे कि इसमें क्या है अंतर? ये एफ बेस है। अच्छा, ये एफ बेस में है। हाँ, ये बेसिक आवाज निकलता है जो ये बेस में है। अच्छा जी, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत अच्छा सचमुच आप बहुत सुरीला बजाते हैं। ठीक है, कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, बीटी न्यूज़ बिहार के कुछ दर्शकों को? देखिए, बांसुरी को जो है बजाना चाहिए, बांसुरी फ़ायदेमंद है और दिल मोहनी मंत्र है ये बांसुरी, और हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कि बांसुरी सीखे। अगर आप नहीं सीखेंगे तो ये तो हमारे हिंदुस्तान का धरोहर है, इसको बर्बाद करना नहीं है, इसको आगे जितना भी आप चाहेंगे, जनता चाहेगी, आगे बढ़ा सकता है। ये हम सभी आदमी से कहेंगे कि बांसुरी ज़रूर खरीदे और बांसुरी का उचित पैसा दे। हमें उचित पैसा ना मिलता है जो कि हमें बहुत तकलीफ़ होता है, मगर फिर भी हम देते हैं बांसुरी,
मगर हमारा भी अभी पैसा ना मिलने के कारण से गरीबी हालत है, हमें आगे बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमको इनका सुन के, और यहाँ आसपास जो लोग सुन रहे थे उनका हम रिएक्शंस जानते हैं कि उनको कैसा लगा। आपको कैसा लगा भैया? मुझे बहुत ही यूनिक लगा, बहुत अच्छे बजाते हैं ये। तो बहुत सी परचेज करना चाहेंगे इनसे आप? हाँ, क्यों नहीं, ऑफकोर्स। और ज़रूर ज़रूरत है ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का कि जो हमारे ये एक तरह से समझ लीजिए कि शास्त्रीय संगीत में भी इसका प्रयोग होता था और भारत के ऐतिहासिक में बहुत ही पुराना ये वाद्य यंत्र है जिसको मुँह से बजाया जाता है और ये भारतीयों का खोज है। तो ऐसे लोगों को ज़रूरत है जो ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को आज भी समेटे हुए हैं। धन्यवाद, आप बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के साथ और हम आपको पूरे बिहार का हर खबर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।